आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम इंडिया के उस कप्तान की जिसने भारतीय टीम को विदेशों में जीतना सिखाया। वो कप्तान जिसने क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स में शर्ट उतारकर अंग्रेजों को उसी भाषा में जवाब दिया। वो कप्तान जिसने टॉस के लिए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ को इंतजार करवाया। वो कप्तान जिसने विरोधियों की आंखों में आंखें डालकर हमें लड़ना सिखाया। वो कप्तान जो अपनी बेबाकी और अपने अलग अंदाज के लिए दुनिया भर में जाना जाने लगा। दुनिया जिसे दिलेर और भारतीय फैंस जिसे प्यार से दादा बुलाते हैं। अब तक आप समझ चुके होंगे कि आज के इस वीडियो में हम भारत के सफलतम कप्तानों में से एक सौरभ गांगुली की बात करने जा रहे हैं, जो आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। सौरभ गांगुली का जन्म आज ही के दिन यानी 8 जुलाई 1972 को कलकत्ता में हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि सौरभ गांगुली का शुरुआती प्रेम फुटबॉल था, लेकिन अपने बड़े भाई स्नेह आशीष गांगुली की सलाह पर उन्होंने क्रिकेट में रुचि दिखाई। जल्द ही सौरभ गांगुली क्रिकेट के मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़ने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सौरभ गांगुली को भारतीय टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिला। हालांकि वनडे में सौरभ गांगुली 1992 में डेब्यू कर चुके थे। साल 1996 में सौरभ गांगुली ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के अपने पहले टेस्ट में शतक लगाकर दिखा दिया कि उनमें भारतीय टीम को आगे ले जाने की काबिलियत है। सिर्फ यही नहीं, गांगुली ने नॉटिंघम में खेले दूसरे टेस्ट में भी शतक लगाकर साबित कर दिया कि पहले टेस्ट में शतक लगाना कोई तुक्का नहीं था। सौरभ गांगुली सिर्फ यही नहीं रुके और उसके बाद भी इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका रन बनाना जारी रहा। साल 1999 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई उनकी 183 रन की पारी आज तक किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा वर्ल्ड कप में बनाया गया सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर है। वर्ल्ड कप 1999 के एक साल बाद भारतीय क्रिकेट में बुरा दौर आया, जब भारतीय टीम पर फिक्सिंग का जिन्न छा गया। विश्व जगत में भारतीय टीम की छवि खराब होने लगी। ऐसे वक्त में सौरभ गांगुली ने न सिर्फ भारतीय टीम की कमान संभाली, बल्कि भारतीय टीम को उस दलदल से बाहर निकाला। सौरभ गांगुली ने साल 2000 से लेकर 2005 तक भारतीय टीम की कमान संभाली। दादा की कप्तानी में भारतीय टीम साल 2003 विश्व कप के फाइनल तक पहुंची, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। दादा की कप्तानी के दौरान सिर्फ वनडे ही नहीं बल्कि टेस्ट मैचों में भी भारतीय टीम ने जीत का स्वाद चखा। गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान में टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की। हालांकि इस बीच तब के भारतीय कोच ग्रेग चैपल के साथ उनका विवाद हुआ, जिसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि साल 2006 में सौरभ गांगुली ने साउथ अफ्रीका के दौरे पर कमबैक किया और अपने प्रदर्शन से बता दिया कि उनमें अभी भी क्रिकेट बचा है। अपने करियर के आखिरी पड़ाव में गांगुली का बल्ला जम कर बोला। साल 2007 में पाकिस्तान के भारत दौरे पर सौरभ गांगुली ने 239 रनों की पारी भी खेली, जो उनके टेस्ट करियर का इकलौता दोहरा शतक है। साल 2008 में सौरभ गांगुली को ऑस्ट्रेलिया में होने वाली सीबी सीरीज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। अब सौरभ गांगुली को लग रहा था कि उनका करियर आखिरी पड़ाव पर है। ऐसे में गांगुली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2008 में नागपुर टेस्ट में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। टीम इंडिया जो आज सफलता के शिखर पर विराजमान है, उसकी नींव सौरभ गांगुली ने कई साल पहले ही रख दी थी। सौरभ गांगुली में खिलाड़ियों की प्रतिभा पहचानने की बेहतरीन स्किल थी, फिर चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, युवराज सिंह हो, आशीष नेहरा हो या फिर हरभजन सिंह। प्रतिभाओं को तराशने का काम सौरभ गांगुली ने बखूबी किया। ये वो खिलाड़ी रहे जिन्होंने भारतीय टीम की लंबे समय तक सेवा की।
जिस तरह से सौरभ गांगुली ने क्रिकेट के मैदान में चौके और छक्के जड़े थे, ठीक वैसे ही आज हमारे अपने चहेते दादा कमेंट्री की पिच पर जमकर अपना बल्ला बरसा रहे हैं। ड्रीम 17 की टीम की ओर से सौरभ गांगुली को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।